हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे हम एंटीवायरस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंटीवायरस क्यों यूज करना जरूरी है। तो जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड वाइड में अभी साइबर अटैकिंग का मामला ज्यादा आ रहा है, तो उस वक्त अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप या आप डिवाइस को यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, तो वहां पर आपको एंटीवायरस यूज करना चाहिए, क्योंकि जो आपका डाटा है वो सेफ नहीं रह पाएगा अगर विदाउट एंटीवायरस से यूज करते हैं आप इंटरनेट को। और दूसरी बात है कि ये इंटरनेट पर मैं इसे एक्टिवेट करके बताऊंगा कि P7 टोटल सिक्योरिटी को किस तरह से जो है एक्टिवेट करना है। कोई भी एंटीवायरस को प्रोसेस यही रहता है एक्टिवेट करने का, और इसे मैं एक्टिवेट करके भी बताऊंगा। उसके साथ जो है मुझे CD भी दिया गया है इसका, जो कि मैं इसे नहीं यूज करूंगा, क्योंकि हमारा जो है लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है उसमें ये CD ड्राइव नहीं दिया गया है। तो मैं इसे इसका ऐप जो है वो इंस्टॉल करूंगा, और उसके बाद जो है मैं इसे एक्टिवेशन कार्ड जो रहता है इसमें उस नंबर से एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो है मार्केट से लेना चाहिए या ऑनलाइन लेना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्रोम खोल ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपको K7 टोटल सिक्योरिटी लिख देना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का जो आएगा, बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज 7 और 10, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा साइट का। तो मेरे पास जो है ये K7 टोटल सिक्योरिटी वाला पैक है हमारे पास, इसका मेरे पास सीरियल नंबर है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखा रहा है K7 टोटल सिक्योरिटी का जो प्राइस है 1049, जो कि ऑनलाइन प्राइस है। यहाँ पर 30% ऑफ दिखा रहा है। तो मैंने जो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन का बात किया था, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन में आपको दिखा रहा है 1049, और मैंने जो ऑफलाइन मार्केट से लिया है वहाँ पर मुझे 400 में ही मिल गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन मार्केट से ही लें, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पर डाउनलोड वाले पर क्लिक करना है और पूरा डाउनलोड पर जाना है। और दोस्तों अगर बेसिक काम करते हैं लैपटॉप से, ज़्यादा कुछ हार्ड एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, ज़्यादा नेट सर्च नेट पर नहीं रहते हैं, तो आपके लिए K7 टोटल सिक्योरिटी बेस्ट है। यहाँ पर जो भी है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो डालना है, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर नेम मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, और ईमेल भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड पर क्लिक करना है, डाउनलोड चालू हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर डाउनलोड हुआ। चलिए यहाँ पर जो सेटअप फाइल जो है इसका 242 MB का है, तो यहाँ पर डाउनलोड चालू हो गया है। यहाँ पे क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस सिक्योर, इस पर एक्टिवेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कह रहा है वेलकम टू K7 टोटल सिक्योरिटी एक्टिवेशन। दोस्तों अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर आपके पास सीरियल नंबर नहीं है डायरेक्ट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप 1 to 2 try पर क्लिक कीजिए। मेरे पास है तो आई हैव अ सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर कह रहा है इंटर द सीरियल नंबर, तो जो सीरियल नंबर है उस पर क्लिक कीजिए और सीरियल नंबर अपना जो है वो डालिए यहाँ पे। चलिए मैं अपना डाल ले रहा हूँ, यहाँ पर अपना नाम डाल लें, तो मैं अपना नाम डाल ले रहा हूँ। यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद देख सकते हैं नेम ऑफ दिस पीसी, जो आपका पीसी का नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा जो पीसी है उसका नाम यही है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं जो ईमेल कंफर्मेशन आएगा मुझे उस पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट K7 टोटल सिक्योरिटी 1 user 1 year का जो है सब्सक्रिप्शन वो एक्टिवेट हो चुका है। करा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ईमेल पर मेरे आ गया हुआ एक OTP, जो OTP के थ्रू यहाँ पर एक्टिवेशन होगा, और यहाँ मोबाइल नंबर पर भी आ गया हुआ OTP। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल खोल रहा हूँ, उसके बाद जो OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे नेक्स्ट करके सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मुझे 1 time PIN जो है वो आ चुका है, मैं यहाँ पर इंटर करके नेक्स्ट करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, हो चुका है एक्टिवेट। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं चेंज करने हैं मोबाइल नंबर, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन वैलिड अनटिल 23 September 2022, इसमें जो है 6 month का एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है ऐड कर दिया गया है, उसके बाद क्लोज कर देंगे हम। और यहाँ पर जो है अपडेट इन प्रोग्रेस, जो भी अपडेटेशन होगा वो प्रोग्रेस में लग गया है। और दोस्तों पूरा एक्टिवेट कर लेने के बाद हम रिकमेंडेड करेंगे यही कि आप एक बार फुल्ली स्कैन कर दें और उसके बाद रीस्टार्ट करें, तब आपका जो है K7 टोटल सिक्योरिटी फुल्ली वर्क करेगा।
बाकी का जो सेटअप है मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सेटिंग है, एंटीवायरस एंटीफायर ये सब जो है सेटिंग वगैरह आप चेंज भी कर सकते हैं। बाकी मैं तो कहूँगा इसमें कुछ नहीं चेंज कीजिए। वाईफाई एडवाइजर, यहाँ पर वाईफाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा वाईफाई से आप अभी कनेक्टेड हैं। स्कैन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार तरह का स्कैन होता है, क्योंकि स्कैन जो जल्दी तुरंत हो जाएगा, कस्टम स्कैन होगा वहाँ पर जो कि मतलब कि कोई फोल्डर को आप स्कैन करना चाहते हैं, कंप्लीट स्कैन में ये होगा कि जो भी है मतलब कि फाइल पूरा पूरा स्कैन होगा, और रूट किट स्कैन में जो है मेलिशियस फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर बताएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपडेट में अगर अपडेट इस सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है 54 सेकंड एगो अपडेट हो चुका है, और यहाँ फिर भी हम एक बार रन अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि ऑल कंपोनेंट्स एंड फाइल ऑफ K7 टोटल सिक्योरिटी आर अप टू डेट ऑन दिस सिस्टम, नो न्यू अपडेट्स आर अवेलेबल। तो इसी तरह जो है आप एंटीवायरस को अपडेट कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो अपडेट हुआ है लास्ट 1 मिनट एगो पहले अपडेट हो चुका है, और सब्सक्रिप्शन जो है मेरे को मिला है 365 डे का मिलता है ऐसे, लेकिन हमें मिला है 455 डेज का, यानी कि 6 मंथ एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑफर चल रहा होगा तो वैसे मुझे मिल गया, लेकिन मेरे पास जो है 1 ईयर का ही था, तो पता नहीं कैसे ये 6 मंथ और एक्स्ट्रा दे दिया मुझे। तो चलिए ये अच्छा ही बात है हमारे लिए। और उसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल्स देख सकते हैं इसके बारे में, कौन सा चीज़ ऑन है, कौन सा फंक्शंस ऑन नहीं है, यहाँ पर है सब सारा आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसका फुली सेटिंग चाहिए कि क्या ऑन रखना है क्या ऑफ रखना है, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं कि वीडियो चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सारी सेटिंग्स में बताऊंगा कि किस तरह से जो है कौन सा ऑन रखना है कौन सा ऑफ रखना है, जो जिससे आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी सिक्योर रहे। तो दोस्तों इसी तरह आप K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस को जो है अपडेट कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आगे का वीडियो किस टॉपिक पर डालूं। थैंक यू।